हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, चलिए इस लेसन में हम जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट से हम क्यों स्टार्ट करने वाले हैं आपको पता लग जाएगा कि हमने जावास्क्रिप्ट से क्यों स्टार्ट किया है। उसके बाद हम रिएक्ट नेटिव करेंगे, फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट करेंगे, फिर नोड जेएस करेंगे। तो ऐसे ऐसे हमारे ये प्लेलिस्ट जाने वाली है। तो गाइस, जो भी आप ड्यूरिंग इसमें जो भी कुछ सीखोगे, आपने उसको लिंक्डइन पे जरूर पोस्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और जो भी आपको सीख रहे हो तो आप अपनी एक पोस्ट क्रिएट करके मेरे को मेंशन कर सकते हो। सो एनीवेज, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम अपना जावास्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली होती क्या है और ये क्या काम करती है और क्या यूज में आती है। तो चलिए इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। तो ये हमारा लेसन टू है। जिसने अभी तक लेसन वन नहीं देखा वो लेसन वन जाके जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी एक भी वीडियो को मिस आउट करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको फर्स्ट लेसन जो भी मैं लेसन वाइज पढ़ाऊंगा आपको पिछले लेसन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो दूसरी बार ज़रूर देखें, तीसरी बार ज़रूर देखें। तब तक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए तब तक आगे मूव ना करें। तो चलिए लेट स्टार्ट विद बेसिक जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वट इज़ जावास्क्रिप्ट। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, जावास्क्रिप्ट इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट कैन बी यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसके सिंपल वर्ड में कहूँ कि जावास्क्रिप्ट क्या एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारी वेबसाइट होती है उसको डायनेमिक बनाने में इसका यूज़ किया जाता है बिफोर 2009। तो ये 2009 से पहले की डेफिनेशन है, क्योंकि उसके बाद इसको बैकएंड साइड भी यूज़ किए जाने लगा, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप होने लगी। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो जावास्क्रिप्ट को मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाने लगा। तो इसमें एक क्वेश्चन पुट आउट होता है, मैंने यहां पे बोला था कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इसका मतलब क्या हुआ, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, मैं एक टेक्स्ट भी ले लेता हूँ कलर का। इसका मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब वो हुआ जो ह्यूमन रीडेबल होती है, ह्यूमन इजी टू अंडरस्टैंड होती है, ह्यूमन ही इजी टू राइट होती है, कि हम जिस उस लैंग्वेज को आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो हमारे लिए यूज़ होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई समझ आ गया कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, सिंपली जिसे हम इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अंडर आ जाती है हमारी ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट आ जाती है, जावास्क्रिप्ट, जावा। देखिए जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों डिफरेंट लैंग्वेज है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या जावा का चाइल्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और जावा टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है। और इसमें आ जाती है रूबी और पाइथन। देखिए अगर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होगी, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए गाइज, अगर आप बिना नोट्स, आपने क्या करना है, जो मैं भी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपने उसको नोट डाउन करना है। अपने पास एक पेन होना चाहिए, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, ताकि इसी से आपके जो जावास्क्रिप्ट के बेसिक क्वेश्चंस है जो आपका इंटरव्यूअर पूछ सकता है, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि हाँ मैंने इसके बारे में पढ़ा था या सीखा था और लिखा भी था। क्योंकि जितना हम लिखते हैं तो उतना हमें याद भी रहता है। तो आपने सभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपने साथ के साथ इसके नोट्स बनाने हैं। तो ये मेरा हो गया लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो मशीन कोड होता है जिसे जो मशीन को समझ आती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन को नहीं समझ आती, इसको हम कन्वर्ट करते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंड होती है हमारी मशीन को, हमारे बाइट कोड को। तो इसमें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या आ जाती है, सी और सी प्लस प्लस।
सी और सी प्लस प्लस तभी इतनी फास्ट होती है क्योंकि डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है। तो यही डिफरेंस होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारे जो भी डेवलपर होता है उसको ईजी टू उसको लिखना, जावास्क्रिप्ट को लिखना ईजी रहता है, समझना ईजी रहता है। और साथ में जावास्क्रिप्ट क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? जो हमारे वेब ब्राउज़र पर रन होती है, ना कि हमारे सर्वर पर रन होती है। ये डेफिनेशन थी 2009 से पहले की। तो 2009 के बाद इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई क्योंकि जावास्क्रिप्ट अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए भी यूज़ की जाने लगी जब से हमारी नोड जेएस इंट्रोड्यूस हुई। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पता लग गया, आपने ये नोट लिख लिए कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। एग्जांपल भी देख लिए कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग के अंडर क्या आती है और लो लेवल प्रोग्रामिंग के अंदर अंडर क्या आती है। तो इसमें मैंने अभी एक कंसेप्ट बोला था, वो बोला था मैंने क्लाइंट साइड, ये क्लाइंट साइड, देखिए मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है तभी मैं जितना बोल के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तभी। क्लाइंट साइड हो गया, एक हो गया सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि जो ब्राउज़र पर रन होती है, हमारे मोबाइल डिवाइसेस में रन होती है, हमारे कंप्यूटर पर रन होती है, उसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल देते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो सर्वर साइड हमारी रन होती है। तो जब से सबसे पहले क्या था, जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था मैं ब्रेंडन ईच, जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रेंडन ईच 1995 में। तो आप अपने नोटबुक में इसको भी नोट डाउन करते जाना कि जावास्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया था, इसका डेवलपर कौन था। तो ये बता दिया मैंने। और जब से फिर 2009 के बाद जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तो एक डेवलपर था रियान जहाल, तो नोड जेएस किसने इंट्रोड्यूस की? रियान जहाल ने। तभी हमने जो प्लेलिस्ट स्टार्ट किया वो जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट किया, क्योंकि आपको यहाँ से पता लग रहा है कि कैसे कैसे पहले जावास्क्रिप्ट ओनली ब्राउज़र को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। बाद में ये जब नोड जेएस इंट्रोड्यूस हुई, ये इसका डेवलपर था नोड जेएस का डेवलपर था रियान डियाल। ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2009 में। तो नोड जेएस किसने इंट्रोड्यूस की? रियान दयाल ने 2009 में। तो जब से ये इंट्रोड्यूस की गई, तो जावास्क्रिप्ट को हम एज ए बैकएंड भी यूज़ करने लगे बाय यूजिंग द V8 इंजन जो गूगल का है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि V8 इंजन क्या है, आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका बताना है, व्हाट इज़ V8 इंजन। तो आपने कमेंट में जरूर करके मेरे को बताना है कि V8 इंजन क्या है, ताकि मेरे को पता लगे कि जो भी इस प्लेलिस्ट से सीख रहा है वो एक्चुअली वो सीखना चाहता है, और वो इससे एक्चुअली वो सीखना चाहता है, ताकि मेरे को पता रहे कि हाँ जो भी व्यूवर्स है मेरे इस प्लेलिस्ट से इंट्रैक्शन कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ लिया कि जावास्क्रिप्ट क्या थी, पहले बैकएंड में पहले ओनली फ्रंट एंड में यूज़ होती थी, और बाद में इसको हम बैकएंड में यूज़ करने लगे जैसे ये एडवांस होती गई। इसके हमने ऑथर के बारे में जान लिया कि उसके डेवलपर कौन था, जावास्क्रिप्ट का और नोड जेएस का। तो V8 इंजन क्या है, ये आपके ऊपर क्वेश्चन है, आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए, ये तो बेसिक हो गया कि जावास्क्रिप्ट क्या है और किसने इंट्रोड्यूस की और कैसे ये हमारे बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों में यूज़ होती है। तो चलिए गाइज, अब हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं कि वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए, व्हाट इज़ वेरिएबल्स? सो वेरिएबल्स यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज़। तो सिंपली क्या है, जो भी हमारा डेटा होता है एक किसी में वेरिएबल में स्टोर करना होता है। लाइक वेरिएबल को हम कंटेनर में भी बोलते हैं, जिसमें हम कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स को हम किस तीन टाइप से डिक्लेयर करते हैं। एक होता है हमारा
वेर वेर लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। 19 जो हमारा वेर था वो 1995 से लेके 2050 तक यूज़ होता था। इसके बाद हमारा ES6 जावास्क्रिप्ट का एक इन्हांस वर्जन अपग्रेड हुआ, तो तब से दो लेट और कॉन्स्ट दो नए कीवर्ड यूज़ हो इंट्रोड्यूस किए गए। इसको हम बोलते हैं ES6। इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा एरो फंक्शन, मैप, फिल्टर, ये सब कुछ ES6 में आए, तो इसको हम आगे जानेंगे धीरे धीरे। तो इसमें एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि काफ़ी इंटरव्यूअर पूछते हैं कि वेर लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो क्या डिफरेंस होता है अभी आपको पता लग जाएगा। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब सिंपली हम क्या करते हैं, अपने एक ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है, आपने अपने ब्राउज़र में लिख लेना है जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन कंपाइलर। इसमें अब हम एज ए प्रोग्रामेटिक वे से इन चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, वेर, वेर हो गया, लेट हो गया एंड कॉन्स्ट हो गया। तो वेर को इंट्रोड्यूस, जो वेर था पहले 2015 से पहले ओनली वेर यूज़ किया जाता था, 2015 के बाद लेट और कॉन्स्ट यूज़ किया जाने लगा। तो वेर और वेर का क्या होता है, पहले क्या था, वेर का सिर्फ ग्लोबल एंड फंक्शनल स्कोप हुआ करता था। तो ग्लोबल और फंक्शनल स्कोप का क्या मतलब हुआ, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया लेट, सॉरी वेर एक्स इक्वल टू 10, इसका ग्लोबली स्कोप है। मैं इसको कंसोल डॉट लॉग, क्या होता है, जैसे हमारे अदर लैंग्वेज में प्रिंट होता है, पाइथन में प्रिंट होता है, प्रिंट एफ होता है, तो हम किसी भी वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग जावास्क्रिप्ट का प्रीबिल्ट मेथड है जो हमारे वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वेर को, इसको हम क्या बोलेंगे, वेर, इसकी टाइप क्या है, कीवर्ड वेर, डेटा टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे, ये इंटीजर है और इसमें हमने वैल्यू असाइन की है 10, और हमने इसको प्रिंट कराया और रन किया अपना प्रोग्राम, और इसकी वैल्यू अभी हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया एक्स, तो रन किया, देखिए इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 10। हम साथ में डबल स्ट्रिंग लगा के कुछ प्रिंट भी लिख सकते हैं, जैसे वैल्यू इज, स्ट्रिंग के साथ हमने अपने वेरिएबल को यूज़ कर लिया, वैल्यू इज़ 10। तो इसमें क्या हुआ, इसका ग्लोबली स्कोप था, हम इसको एक्सेस कर सकते थे, और फिर बाद में लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस हुए। तो लेट में क्या है, लेट का, लेट और कॉन्स्ट ने क्या किया, एक हमें ब्लॉक स्कोप दिया। ES6 से पहले ब्लॉक स्कोप नहीं होता था, तो इसमें दो लेट और कॉन्स्ट ने क्या किया, लेट और कॉन्स्ट हैव ब्लॉक स्कोप, तो ब्लॉक स्कोप से क्या मतलब हुआ, चलिए हम कंपाइलर पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ब्लॉक स्कोप लिया और इसमें क्या किया, एक और मैंने एक्स किया अब 5। तो आप अभी पॉज करके या सोच के देखना कि अब एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। मैंने रन किया तो x की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे 6। इसने क्या किया, जो वेर का स्कोप होता है वो ग्लोबली स्कोप होता है, इसने इसकी वैल्यू को ओवरराइड कर दिया। तो वेर को क्या कर सकते हैं, हम वेर को हम दोबारा से रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन लेट और कॉन्स्ट को हम दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसको विद इन द स्कोप दोबारा हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या किया, लाइक हमने लेट ले लिया, जो लेट का स्कोप है सिर्फ इसके अंदर 4 लाइन के, मतलब 5 और 6 के अंदर इसका लेट का स्कोप रहेगा। अब मान लिया कि मैंने रन किया तो अब इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 10। ये देखिए वैल्यू इज 10। अब इसने क्या किया, जो लेट की रीच थी वो इन दो जो हमने ब्रेसेस लगाई है, कर्ली ब्रेसेस लगाई है, इसके अंदर इसकी रीच है। अब मान लिया कि मैंने यहाँ पे लिया लेट, फिर से एक्स लिया और 2 लिया, तो देखिए अब मेरे को एरर आएगा,
लेट एक्स हैज ऑलरेडी बी डिक्लेयर्ड। हम दोबारा से लेट को डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट वेयर को हम बार बार रीडिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं इसको कमेंट किया एक्स इक्वल टू 5 7, तो मेरा वेयर प्रिंट होगा 7। अगर मैंने इसको कॉन्स्ट किया, इसको कॉन्स्ट किया, तब हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। देखिए आइडेंटिफायर हैक्स एक्स हैज ऑलरेडी बी डिक्लेयर। ऐसे ही अगर मैंने लेट लिया, तब भी हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर ओनली वेयर के केस में हम वैल्यू अपने वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट और लेट में क्या डिफरेंस हुआ? फॉर एग्जांपल लेट एक्स था, हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स नाम से, एक्स में कोई वैल्यू हमने डाली, दोबारा से रीअसाइन कर दी एक्स 7। तो देखिए ये वैल्यू मेरी असाइन हो जाएगी, बट अगर मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दिया तो हम कॉन्स्ट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्ट मीन्स कॉन्स्टेंट, तो इस मीन्स इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखिए ये मेरा कंपाइलर एरर देगा, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, मतलब हम वेरिएबल कॉन्स्ट नाम के वेरिएबल में दोबारा से वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। यही डिफरेंस रहता है लेट वेयर और कॉन्स्ट में। तो चलिए अब हम ब्लॉक स्कोप के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये मेरा ब्लॉक स्कोप है और मैंने यहाँ पे लिया कॉन्स्ट x इक्वल टू 10। अगर मैं फिर से इसके बारे में इसको मैं दोबारा से इसको असाइन करूँगा, देखिए इसका ग्लोबली स्कोप क्या है, कॉन्स्ट x, और मैंने अब इसको प्रिंट किया तो इसकी जो ग्लोबल वाला कॉन्स्टेंट होगा, जो वैल्यू होगा, उसको प्रिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लिखा तो ये ऊपर वाले ग्लोबल एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब मैं इसको लिख दूंगा ग्लोबल वैल्यू, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करके लिख दूंगा ब्लॉक स्कोप वैल्यू इक्वल टू एक्स। अब देखिए ब्लॉक स्कोप वैल्यू में 5 प्रिंट हुआ और ग्लोबल वैल्यू में 10 हुआ, क्योंकि इसका जो स्कोप था विद इन द कर्ली ब्रेसिस रहेगा। तो इसमें एक और हमारे टॉपिक निकल कर आता है, वो है होस्टिंग। होस्टिंग मैं एक और लिख लेता हूँ मेरा पेन। ब्लॉक स्कोप के बारे में आई थिंक आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, होस्टिंग के बारे में। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग का मतलब ये हुआ, देखिए जावास्क्रिप्ट में आप कुछ कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, चाहे आप उसको यूज़ करने से पहले मतलब डिक्लेयर करने से पहले आप जावास्क्रिप्ट में उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो होस्टिंग क्या होती है, व्हाट इज़ होस्टिंग, इसको लिख लेते हैं होस्टिंग। होस्टिंग तो देखिए ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर जरूर पूछता है कि जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग का मतलब ये है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर किए बिना उसकी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है और वेरिएबल में असाइनिंग द वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया वेर और इसका नाम लिया नेम, इसका नाम लिख दिया मैंने इंटेलेक्ट या चैनल नेम लिख दिया, चैनल नेम इंटेलेक्ट डेवलपर, ठीक है। अब ये जब मैं कीवर्ड यूज़ करता हूँ वेर लेट, उसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर मैंने इसको अभी डिक्लेयर नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी और कंसोल डॉट लॉक किया चैनल नेम कॉमा चैनल नेम, ओके, और बाद में मैंने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, मतलब डिक्लेयर करने से पहले मैंने क्या किया, अपनी वैल्यू को यूज़ कर लिया। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा चैनल नेम इंटेलेक्ट डेवलपर, देखिए मेरा जो वैल्यू थी वो मैं यूज़ कर पाया। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट असाइन किया, बाद में डिक्लेयर किया। जितने भी मेरे वेरिएबल नाम के डेटा होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, हमारी टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है। जितने भी वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं ये उठा के इसको सबको टॉप में लेके चला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही ये कंपाइलर इसको रन करेगा तो वर्चुअली ये क्या होगा, हमारा वेयर डिक्लेयर सबसे ऊपर हो जाएगा, फिर इसमें वैल्यू साइन होगी, फिर जाके ये वाला कंसोल डॉट लॉक करेगा। ये सिर्फ किस केस में होता है, वेयर के केस में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको लेट ले लिया या कॉन्स्ट ले लिया, इस केस में ये मेरे को दे देगा एरर, कैन नॉट एक्सेस चैनल बिफोर इनिशियलाइज। तो इनिशियलाइज करने से पहले मैं डायरेक्टली इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकता,
यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे वैल्यू को असाइन किया है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। और सेम केस इन कॉन्स्ट के केस में, मेरे को कॉन्स्ट और लेट के केस में वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर बाद में यूज़ करना पड़ेगा। तो यही होस्टिंग का कंसेप्ट है, कॉन्स्ट चैनल नेम। ओके, इसको ऐसे, अब ये मेरा चैनल नेम रन, अब ये मेरा इंटेलेक्ट डेवलपर यहाँ पे प्रिंट इसने कर दिया है। तो यही बेसिक सा कंसेप्ट था कि हमारी होस्टिंग क्या होती है। तो जावास्क्रिप्ट में देखिए, इसको जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको वो कैमल केस के वेरिएबल को हम किस कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है हमारा कैमल केस, लोअर कैमल केस, ठीक है, और एक होता है अपर कैमल केस, और एक होता है हमारा अंडरस्कोर। तो फॉर एग्जांपल मैंने लोअर कैमल केस की बात करी, फर्स्ट नेम हो गया, ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन होगी, फर्स्ट नेम। ओके, और वेर एक हो गया मेरा अपर फर्स्ट अपर कैमल केस। देखिए, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि जो रूल ऑफ डिफाइन वेरिएबल्स है जावास्क्रिप्ट में वो क्या है, फर्स्ट नेम। एक हो गया हमारा कैमल केस, फर्स्ट नेम। जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो लोअर कैमल केस यूज़ करते हैं, ये वाला। और हम अपने वेरिएबल को ऐसे नहीं डिक्लेयर कर सकते, तो ना ही हम स्पेस दे सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मोस्टली हम कैमल केस का यूज़ करते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं, जावास्क्रिप्ट हमारी केस सेंसिटिव भी होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पे कंपाइलर पे समझाता हूँ। अब मान लिया कि फर्स्ट नेम लिया मैंने इंटेलेक्ट डेवलपर, इंटेलेक्ट, और वेर फर्स्ट नेम लिया जैसे कि कुछ भी ले लिया जावास्क्रिप्ट। देखिए, स्ट्रिंग को हम डबल क्वार्ट्स में लिख सकते हैं और सिंगल क्वार्ट्स में भी लिख सकते हैं। हम डेटा टाइप्स में अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती है। तो अब मैं कंसोल डॉट फर्स्ट नेम किया, और फर्स्ट डॉट नेम, ये अलग अलग वेरिएबल्स नेम है, मतलब ये केस सेंसिटिव है। इसने हमारे मेमोरी में अलग स्पेस ली, इसने हमारे मेमोरी में अलग स्पेस ली। तो ये फर्स्ट नेम रन किया, तो देखिए इंटेलेक्ट प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको छोटा एन करूँगा तो जावास्क्रिप्ट प्रिंट हुआ। तो हमारी जावास्क्रिप्ट क्या है, एक केस सेंसिटिव है। तो एक जावास्क्रिप्ट में आ जाता है कि हम जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे करते हैं। कमेंट, तो कमेंट क्या करता है, कमेंट क्या करता है, जो भी कंपाइलर जब भी रन होता है वो कमेंट देखता है तो वो उसको इग्नोर कर देता है। तो कमेंट हम करते हैं फॉरवर्ड टू स्लैश हो गए, और एक होता है हमारा स्टार स्टार, और ये चलिए हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट नेम को कर दिया प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कुछ भी जैसे माई नेम इज़, तो ये इसको इग्नोर कर देगा। फर्स्ट नेम डिक्लेयर नहीं था, फर्स्ट नेम, देखिए इसने इसको इग्नोर कर दिया। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो देखिए ये मेरे को एरर दे देगा, माई अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। ओके, तो इसको मैं कमेंट कर सकता हूँ। और एक और मैं कमेंट कैसे कर सकता हूँ, ये किया, इसके बीच में मैंने कुछ भी लिख दिया एक्स वाई जेड। और ऐसे भी मैं दो तरीके से मैं जावास्क्रिप्ट में कमेंट कर सकता हूँ। इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि हम जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे, किस कितने ऑफ वे ऑफ कमेंटिंग है जावास्क्रिप्ट में, तो आप बता सकते हो फॉरवर्ड डबल स्लैश और फॉरवर्ड स्टार इनटू फॉरवर्ड। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, जावास्क्रिप्ट के बारे में देख लिया कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है। आप खुद से भी इस गूगल पे इसके बारे में पढ़ सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। तो बेसिक जावास्क्रिप्ट में अब हम धीरे धीरे
आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट में देखिए एक टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, इसको मिटा देते हैं। व्हाट इज वेरिएबल्स हो गया, वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स इन जेएस, जेएस डेटा टाइप्स। देखिए डेटा टाइप्स से क्या मतलब हुआ, जो भी हमने वेरिएबल में वैल्यू असाइन की है उसकी क्या डेटा टाइप है। तो जावास्क्रिप्ट में 8 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। मैं एक होता है हमारा स्ट्रिंग, जो कि अभी हमने, चलिए हम इसको कंपाइलर पे लिखते हैं। स्ट्रिंग ये जो हम यहाँ पे वेरिएबल में डिक्लेयर कर यूज़ कर असाइन कर रहे थे, ये स्ट्रिंग नाम की वैल्यू थी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेटा टाइप्स, एक डेटा टाइप्स हो गया स्ट्रिंग। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कमेंट का यूज़ कर लूँगा ताकि मेरे को एरर ना आए, और इसके अंदर मैं अपनी वैल्यू लिखूँगा डेटा टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट। इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप अब आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट डेटा टाइप हो गया हमारा स्ट्रिंग नंबर बिग इंट बूलियन। हम धीरे धीरे सभी इसके डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। डिफाइंड, अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया, सिंबल हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक टाइप के हमारे डेटा टाइप्स है इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल की डिक्लेरेशन देखेंगे और उसके डेटा टाइप्स की चेक भी करेंगे। तो आपने लिख लिए, या आप इसको वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट 8 टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग नंबर बिगिन बूलियन अनडिफाइंड सिंबल एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया लेट एज इक्वल टू, आपको पता है एज नाम के वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है, नंबर 9 का, तो 9, 10 एज लिख लिया जैसे 18। अब मैंने कंसोल डॉट लॉग किया एज, देखिए मेरी 18 प्रिंट होगी। अगर मैं इसके वेरिएबल की टाइप जानना चाहता हूँ कि इसकी डेटा टाइप क्या है, तो टाइप ऑफ इसका एक मेथड है एज, तो देखिए इसकी नंबर प्रिंट करा। अगर मैंने इसको डबल क्वार्ट्स में लिख दिया तो इसकी टाइप आएगी स्ट्रिंग, मैं सिंगल क्वार्ट्स में भी यूज़ कर सकता हूँ, ये देखिए इसकी स्ट्रिंग होगी। और अब मैंने क्या करना है, अब एज स्ट्रिंग और नंबर के बारे में पता लग गया। अब एक डेटा टाइप्स होते हैं हमारे बूलियन, लाइक इज, जैसे हम किसी भी वेरिएबल में इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे इज यूज़र नाम से फॉल्स होता है या ट्रू होती है, तो बूलियन की वैल्यू फॉल्स होती है या ट्रू होती है, फॉल्स, तो इज यूज़र आएगा, इसकी डेटा टाइप आएगी बूलियन, ये देखिए इसकी डेटा टाइप बूलियन। डेटा टाइप आपको कहाँ इसलिए जानना ज़रूरी होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक फंक्शन बनाया, फंक्शन इसके बाद हम जानेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं। आपने कोई फंक्शन बनाया और आपने वो जो फंक्शन है आपके 2 नंबर का एडिशन कर रहा है, बट यूज़र ने गलती से स्ट्रिंग पास कर दी, तो आपने पहले चेक्स लगा के रखने हैं, आपने वैलिडेशन लगा के रखनी है कि यूज़र से जो स्ट्रिंग है वो एंटर ना करने दे, उसको थ्रो एरर कर दे कि हाँ आपने गलत नाम की डेटा एंटर किया है, प्लीज़ करेक्ट द करेक्ट वैल्यू। सो इस टाइप की हम वैलिडेशन के लिए हम टाइप ऑफ जो हमारा एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का, इसका यूज़ करते हैं ताकि हमें पता रहे कि जो हमारा डेटा टाइप है वो करेक्ट है। तो ऐसे ही हमारे अनडिफाइंड होते हैं, नल होता है, तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कोई जैसे यूज़र नेम नाम से किया, और इसको अब मैं यूज़र नेम प्रिंट कराऊंगा, तो देखिए अब क्या आएगा, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आएगी। जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल असाइन होती है वो होती है अनडिफाइंड, ओके
और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करूँगा तो अब ये क्या किया, इसकी टाइप अगर मैं देखूँगा, टाइप ऑफ इसकी स्ट्रिंग आएगी, अगर मैं यहाँ पे कोई असाइन नहीं करूँगा तो इसकी टाइप ऑफ अनडिफाइंड आएगी। आप इसको, आपको इससे क्लियर हुआ, अगर हमने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़ दिया है तो उसमें जो वैल्यू असाइन होगी वो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड असाइन होगी। तो इंटरव्यूअर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और साथ के साथ आप, मैं गाइज बार बार बोल रहा हूँ कि आपको नोट्स ज़रूर क्रिएट करने हैं। तो आपने अनडिफाइंड के बारे में जान लिया, और नल क्या होती है, नल कई बार देखिए इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि अनडिफाइंड और नल में क्या डिफरेंस है। तो अनडिफाइंड क्या है, आपकी डेटा टाइप है, नल क्या है, एक्चुअल एक वैल्यू है, हम वैल्यू असाइन करते हैं लाइक नल। तो टाइप ऑफ आप देखना इसकी आएगी, और नल की टाइप ऑफ होती है ऑब्जेक्ट, एरे की टाइप होती है ऑब्जेक्ट, डेटा डेट की टाइप होती है ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, मैं आई थिंक ये लेक्चर काफ़ी लंबा होगा और बोरिंग भी होगा क्योंकि अभी हम बेसिक चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे जब हमारे बेसिक ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी तब हमें लाइक रिएक्ट नेटिव पे मूव होंगे। तो तब हम उस तब तक मैं चाहता हूँ कि जब तक हम रिएक्ट नेटिव में मूव हो हमें जावास्क्रिप्ट अच्छे से आ जाए ताकि हमें रिएक्ट नेटिव करने में आसानी रहे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट लाइक दिस इज ऑब्जेक्ट, कर्ली ब्रेसेस में इसमें कीज और वैल्यूज के पेयर में हम डेटा को सेव करते हैं। तो जैसे कि अब जो हमारा वेरिएबल्स था लाइक एज, इसमें एक ही वैल्यू को हम असाइन कर रहे थे, बट अब हम ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल में हम कीज एंड वैल्यू में डिफरेंट टाइप मल्टीपल डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया लेट इक्वल टू पर्सन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टू डिफाइन, अगर आप मैंने किसी वेरिएबल को दो ऐसे कर्ली ब्रेसेस असाइन कर दी तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसकी टाइप ऑफ प्रिंट करा के देखूं, इसकी टाइप प्रिंट होगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हमारे कीज एंड वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है, लाइक पर्सन का नेम हो सकता है जैसे, या चैनल नेम हो सकता है गुलशेर, और इसका ना आप जैसे डिपार्टमेंट रिएक्ट नेटिव, ओके। अब देखिए अब मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराऊंगा, ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट ये प्रिंट हो गया। अब मान लिया कि मेरे को ऑब्जेक्ट में सिर्फ अब मेरे को किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस क्या करना है, तो हम क्या कर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम और डॉट करके उस की का नेम। तो मान लिया कि मेरे को नेम प्रिंट कराना है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट का नेम है पर्सन, और डॉट करके मैं नेम करूँगा तो मेरे को यहाँ पर प्रिंट होगा गुलशेर। ऐसे ही अगर मैं एक तो डॉट करके हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, या हम एक एरे करके इसमें वो की को पास कर सकते हैं जैसे कि नेम। ये देखिए सेम ही बात है, या तो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट उस की का नेम, या ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट लगा के इसका उस की का नाम पास हम कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का मेथड। तो अब देखिए गाइस ये बेसिक सा अब एग्जांपल था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि फंक्शंस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, आई होप आपको, तभी मैं बोल के बता रहा हूँ कि आपको मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ और एक्सप्लेन मैं आपको अच्छे से इसमें कर पा रहा हूँगा होपफुली।
तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज नथिंग बट ब्लॉक ऑफ कोड टू डिजाइन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। एक क्या करता है फंक्शन, क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एग्जीक्यूट किया जाता है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो अब हम वेरिएबल फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो चलिए अब हम इसका एक यूज़ केस देखेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम एक फंक्शन कीवर्ड होता है। देखिए कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो प्री बिल्ट कीज़ होती है, हम जो भी हमारे ये फंक्शन कीवर्ड्स होते हैं, वेर होते हैं, लेट होते हैं, कॉन्स्ट होते हैं, इस नाम से हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। जो जावास्क्रिप्ट ऑन पहले से ही हमें डिक्लेयर करके देता है, मेथड्स हो गया, उसके नेम हो गया, हम उस नेम से वेरिएबल को नहीं क्रिएट कर सकते। आप इसका ज़रूर ध्यान रखना। तो फंक्शन नाम का कीवर्ड होगा, और फंक्शन का नेम होगा, जैसे कि मैं रख लेता हूँ सम नाम का, फंक्शन का नेम रख लिया आपने, दो पैरेंथेसिस लगाए, कर्ली ब्रेसिस लगाई, एंटर मारा, ये आपका फंक्शन का सिंटेक्स हो गया कि फंक्शन को कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं। अब इसमें मैं कंसोल डॉट लॉ लिख के हाय लिख देता हूँ, और या मैं लिख देता हाय प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, फंक्शन को एक तो होती है फंक्शन की डेफिनेशन, एक होती है फंक्शन को कॉल करना। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा, अगर मैं रन करूंगा तो देखिए ये फंक्शन अभी कॉल नहीं होगा। जब मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा तब जाके ये फंक्शन मेरा कॉल होगा। और जो भी इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग आपको पता है क्या करता है, जो भी आप इसके अंदर लिखते हो वो उसको आपके कंसोल में प्रिंट करा देता है। तो एक तो फंक्शन हो गया, ये हमने फंक्शन डिक्लेयर किया, और ये फंक्शन कॉलिंग होगी, इसको हम बोलेंगे फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। ओके, ये एक फंक्शन डिक्लेरेशन होगी, ये फंक्शन कॉलिंग होगी। अब मान लिया कि मैं इस वाले वैल्यू को मैंने डायनेमिक करना है, डायनेमिक इन द सेंस मेरे को फंक्शन के अंदर से वो वैल्यू को पास करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा और फंक्शन में ये पास कर दूंगा। इसको बोलेंगे हम आर्गुमेंट्स, और इसको यहाँ पे जो भी ये आर्गुमेंट्स हम पास करेंगे तो यहाँ पे हम इसको रिसीव करेंगे, जैसे कि मैसेज नाम से कर लिया या मैसेज कर लिया, ठीक है। ये इसको बोलेंगे हम पैरामीटर्स, ये इसमें एक पैरामीटर्स था, और इस पैरामीटर्स को हम कंसोल डॉट लॉग में कर देंगे पास मैसेज। अब देखिए सेम ही आउटपुट आया, तो अब इसमें मैं कुछ भी लिख के भेज सकता हूँ, जैसे माय नेम इज गुलशेर। ओके, और इसको मैं फंक्शन को लिखकर भी हटा देता हूँ। अब देखिए ये मेरा यहाँ से प्रिंट हो गया। देखिए मैं कुछ भी यहाँ से पास करूँ, मेरे को यहाँ पे जाके बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही ब्यूटी होती है फंक्शन की। अब ये फंक्शन क्या करे, मैंने बोला था ना कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ये मेरा कोड हुआ, और हमेशा ये क्या प्रिंट कर रहा है, मेरे नेम को प्रिंट कर रहा है। तो मान लिया कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सम नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया था, तो मैं यहाँ पे एक दो वेरिएबल पास करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया लेट नाम से, या डायरेक्ट मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करी 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे दो मैंने क्या भेजे, आर्गुमेंट्स। ओके, और यहाँ पे मैं रिसीव करूँगा ए बी या num1 num2, ये क्या हो गए मेरे पैरामीटर्स, ठीक है, ये मेरे पैरामीटर्स हो गए। मैं इसको ओके पैरामीटर्स हो गए। अब मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, अब मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आप पॉज करके इसको देखना, सोचना कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। मैंने रन किया तो मेरा यहाँ पे प्रिंट होगा 2। ओके, और अब मैंने क्या करना है, 2 और 3 को प्लस करना है, सम करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, num+num2, तो क्या प्रिंट होगा, 2 3 5। देखिए सम ऑफ 2 नंबर, ये मेरा प्रिंट हो चुका है।
तो ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, मान लिया कि जब जो भी आपका फंक्शन होगा, अगर फंक्शन के फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, अगर मान लिया कि मैंने यहाँ पे रिटर्न फंक्शन लगा दिया, तो जितने भी नीचे इसकी जो भी लाइन होगी वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। रिटर्न क्या करेगा, उसकी जो फंक्शन की टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होती है वो उसको ब्रेक कर देता है जब भी उसे रिटर्न कीवर्ड मिलता है। देखिए मैं रन करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे, तो जैसे ये रिटर्न करेगा तो आपको पता लग रहा है कि रिटर्न करेगा तो वैल्यू जो मेरा सम है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है, रिटर्न किया और रिटर्न में अब मैंने यहाँ पे रन किया तो ये अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया इसने। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज जैसे नम वन ही रिटर्न कर दिया तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 2। ऐसे ही मैंने यहाँ पे नम को कर दिया नम प्लस नम 2। अब मैंने कंसोल अपने फंक्शन में नहीं कराया, मैंने रिटर्न किया, फंक्शन जहाँ कॉल हुआ फंक्शन के कॉलिंग के बाद वो उसने कुछ वैल्यू रिटर्न करी, रिटर्न द वैल्यूज, तो सेम रिजल्ट मेरे को रिटर्न द वैल्यूज, नम इज नॉट डिफाइंड, सॉरी यहाँ पे आना था नम 2। तो देखिए सेम रिजल्ट आया सम इज। तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ, अब इसने रिटर्न किया, ये तो मैंने डायरेक्टली कंसोल करा लिया, बट आपको क्या करना होगा, जब भी आपने कोई फंक्शन कॉल किया तो आपने उस जो भी वैल्यू रिटर्न की उसको एक वेरिएबल में असाइन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया एक वेरिएबल लिया रिजल्ट नाम से और सम किया और यहाँ पे अपने पैरामीटर्स पास कर दिए, तो सेम ही रिजल्ट आएगा। देखिए अब मैं कंसोल कराऊंगा ओनली रिजल्ट को, सम इज रिजल्ट, ये देखिए सम इज 5। मैंने क्या, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होके इसने रिटर्न की वैल्यू 5, 5 कैलकुलेशन करके 5 रिटर्न किया और 5 मैंने असाइन कर दिया अपने रिजल्ट में। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ऑपरेटर्स के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और इसने इस रिजल्ट को कर दिया यहाँ पे प्रिंट, तो रन किया तो सम इज आ गया मेरा 5। गाइज अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे और फंक्शन को अच्छे से जानेंगे। तो आपके लिए असाइनमेंट है, आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर जितने भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ के आना है, और आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जो लर्निंग कर रहे हो, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, आप मेरे को मेंशन कर सकते हो, आप या आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके आप कोई पोस्ट क्रिएट करके आपने जो भी सीखा आप उसको पोस्ट करके मेरे को मेंशन कर सकते हो। तो गाइज ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।